जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते जो पा लिया उसे खोया नहीं करते उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल डियर स्टूडेंट एज यू नो दैट टूडे इज रिविजन फॉर क्लास थ्री टू एट सब्जेक्ट करेंट अफेयर्स एंड टुडे इज द पार्ट थर्ड ऑफ करेंट अफेयर्स इससे पहले आपको पार्ट वन और पार्ट टू मिल चुका होगा जो पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखें उसको देख लें दोबारा और आज पार्ट टू खत्म होने के रिवीजन uh, ख़त्म होने के बाद पार्ट थर्ड शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले पार्ट थर्ड देख लें लेट्स स्टार्ट ना फर्स्ट क्वेश्चन हु इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट के प्रजेंट में जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है संजय करोल संजय करोल इज द प्रजेंट करेंट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट ये पटना हाई कोर्ट के प्रजेंट में चीफ जस्टिस हैं नाम याद रखेंगे सेकेंड क्वेश्चन हु इज द करेंट एच आर डी मिनिस्टर ऑफ इंडिया रमेश पोखरियाल निशंक इज द प्रजेंट एच आर डी मिनिस्टर ऑफ इंडिया एच आर डी स्टैंड फॉर हुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट ये मानव इसको हिंदी में मानव संसाधन विकास मंत्री कहते हैं ये रमेश पोखरियाल निशंक इसके मिनिस्टर हैं ध्यान रखेंगे थर्ड क्वेश्चन हाउ मैनी टोटल डिस्ट्रिक्स ऑफ इंडिया पूरे भारत में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं सेवन हंड्रेड ट्वेंटी इन इंडिया सात सौ बीस हैं इसमें से ट्वेंटी एट स्टेट एंड एट यूनियन टेरेटरीज दोनों इंक्लूड हैं दोनों को मिलाने के बाद सेवन हंड्रेड ट्वेंटी इंडिया में हैं विच कंट्री हैज़ नो रिवर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें कि एक भी नदी नहीं है सऊदी अरबिया सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है ये सऊदी अरबिया जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है यूरोप कॉन्टिनेंट में यूरोप कॉन्टिनेंट में फोर्टी फोर कंट्रीज है इसमें एक सऊदी अरबिया भी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ लोकसभा लोकसभा के प्रजेंट में चेयरमैन कौन है ओम बिरला ओम बिरला जो है सेवनटीन नंबर के रैंकिंग पर आते हैं इससे पहले सोलह चेयरमैन यहाँ से रिटायर हो चुके हैं यहाँ लोकसभा के प्रजेंट में ओम बिरला है ये कोटा से नॉमिनेट हुए थे कोटा जो प्रजेंट में आपका राजस्थान में है राजस्थान इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट है इन इन टर्म्स ऑफ एरिया पार्ट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं ध्यान से देखें बहुत सारे स्टूडेंट पेन कॉपी निकाल के बैठे रहते हैं देखते रहते हैं जो इंपॉर्टेंट लगता है नोट डाउन करते जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन शॉर्ट में इसको यूपीएससी बोलते हैं यू स्टैंड फॉर यूनियन एस स्टैंड फॉर सर्विस पी स्टैंड फॉर पब्लिक सी स्टैंड फॉर कमीशन प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है अरविंद सक्सेना अरविंद सक्सेना इज द प्रजेंट चेयरमैन ऑफ यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन एक माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि सर इसका तो चेयरमैन बता दिए इसकी स्टेब्लिश कब हुआ था तो फर्स्ट अक्टूबर 1926 एक अक्टूबर उन्नीस ईस्वी में यूपीएससी का स्थापना हुआ था तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कभी कभी पूछ दिया जाता है इन विच ईयर यूपीएससी एस्टेब्लिश्ड तो फर्स्ट अक्टूबर 1926 चेयरमैन अरविंद सक्सेना सेकंड क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ प्रसार भारती इसके प्रसार भारती के चेयरमैन पूछा जा रहा है सबसे पहले माइंड में ये प्रसार भारती आना चाहिए ये भी एक चैनल है जो आप टी वी देखते होंगे ये बहुत सारे चैनल प्रोवाइड कराते हैं जैसे अभी ये इसका जो प्रजेंट में इसका नाम हम क्यों बता रहे हैं तो इन्होंने अभी एक डीडी रेट्रो नामक चैनल लॉन्च किया है जिसमें से आपको बहुत सारे जो सीरियल अभी दिखाए जा रहे हैं लॉकडाउन के समय रामायण महाभारत चाणक्य शक्तिमान ये सब अलग अलग चैनल पर दिखाए जा रहे हैं लेकिन अभी आपको डीडी -डी रेट्रो पर ये सभी का सभी चीज आपको दिखाया जा सकता है तो यही पूछा जा रहा है कि प्रजेंट में चेयरमैन एंड सी कौन है तो शशि शेखर वेम्पाती इज द प्रजेंट चेयरमैन एंड सी ऑफ प्रसार भारती एक क्वेश्चन और आना चाहिए माइंड में कि सर अभी प्रजेंट में तो बता दिए कि इसका चेयरमैन और सी ओ सी ओ स्टैंड फॉर चीफ एक्सिक्यूटिव ऑफिसर इसका तो चेयरमैन बता दिए सर सी ओ बता दिए कि शशि शेख शशि शेखर वेम्पाती है लेकिन इसका स्टेबलिट कब हुआ ट्वेंटी थर्ड नवम्बर नाइनटीन नाइन्टी सेवन न्यू दिल्ली में यानी इस नवंबर उन्नीस को इसको इसका जो स्थापना हुआ वो न्यू दिल्ली में हुआ इसका चेयरमैन और सीईओ जो है वो शशि शेखर वेम्पाती है और इन्होंने अभी हाल ही में डीडी रेट्रो नामक एक चैनल लॉन्च किया है नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसी को हम लोग शॉर्ट में सीबीएससी बोलते हैं सी स्टैंड फॉर सेंट्रल बी स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ एस स्टैंड फॉर सेकेंडरी ई ए स्टैंड फॉर एजुकेशन प्रजेंट में इसके चेयरपर्सन जो हैं वो है अनीता करवाल अनीता करवाल एक लेडीज हैं नाम से ही लग रहा होगा अनीता तो अनीता करवाल एक आईपीएस ऑफिसर एक रह चुके हैं आई ऑफिसर वही इसके चेयरपर्सन बने हैं ध्यान में रखिए तो अनीता करवाल इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सी बी बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माइंड में एक और सवाल होना चाहिए कि इसका एस्टेब्लिश कब हुआ स्थापना कब हुआ तो थर्ड नवंबर टू थर्ड नंबर एस्टेब्लिश ऑफ सी बी एस ई बोर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज ऑब्जर्व्ड अम्बेडकर जयंती ऑन फोर्टींथ अप्रैल बी आर अम्बेडकर वॉज बॉर्न इन विच स्टेट इंडिया जो अभी हाल ही फिलहाल में चौदह नवंबर को अंबेडकर जयंती मनाया है तो यही पूछा जा रहा है कि बी आर अम्बेडकर यानी भीम राव अम्बेडकर का जन्म किस स्टेट में हुआ है इन विच स्टेट मध्य प्रदेश के महू में हुआ है मध्य प्रदेश इन महू महू एक छोटा सा शहर है यहाँ एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो यहीं पर जो इनका जन्म हुआ बॉर्न हुआ है किनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कब मनाया जाता है डेट ऑफ बर्थ एक बार देख लेते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ जो है फोर्टीन अप्रैल एटीन नाइनटी वन यानी चौदह अप्रैल अठारह सौ इक्यानवे ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है और डेट ऑफ डेथ डेट ऑफ डेथ इनका कब डेथ हुआ था तो सिक्स दिसंबर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स यानी छः दिसंबर उन्नीस सौ छप्पन ईस्वी में इनका डेथ हो गया याद रखेंगे दोनों इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन 13th of April 2020 अप्रैल को जो 2020 में जो इसका एनिवर्सरी जो जलियावाला बाग का मनाया गया वो कौन सा था कितनावा था रैंकिंग क्या था ये पूछा जा रहा है वन हंड्रेड वंथ यानी एक सौ एकमा था आपको पता होगा थर्टींथ अप्रैल थर्टींथ अप्रैल 1999, सॉरी थर्टीन अप्रैल 1919 यानी उन्नीस में 13 अप्रैल उन्नीस में जलियावाला बाग बाघ हुआ था ये अमृतसर में पड़ता है जो पंजाब में है वहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था ये बैसाखी के दिन हुआ था जिसमें से हमारे बहुत सारे भारतीय मारे गए थे उसी के हम लोग याद में एनिवर्सरी में जलियावाला मार्स जलिया वाला बाग मार्स जो है वो मनाते हैं और अपना शोक व्यक्त करते हैं कि ये एक बहुत ही दुख की बात है कि इतने आदमी मारे गए थे तो ये ध्यान रखें कब हुआ था एक हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन हो गया आपका और ये कब मनाया गया था तो प्रजेंट का एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विच कंट्री विल होस्ट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी दो हजार बीस में जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है इस में कौन सा कंट्री इसका होस्ट यानी मेजबानी करेंगे तो इंडिया करेंगे नवंबर दिसंबर में अगर कोरोना वायरस का जो अभी खतरा चल रहा है अगर ये खत्म हो जाए तो नवंबर दिसंबर में निश्चित ही होगा नहीं तो डेट आगे भी बढ़ सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं विच डे इज सेलिब्रेट इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे कब मनाया गया हाल ही फिलहाल में तो सिक्सटीन अप्रैल क्यों मनाया जाता है तो याद होगा आपको सिक्सटींथ अप्रैल 1853 में सबसे पहले रेलवे चला था रेलवे चली थी कब सिक्सटींथ अप्रैल 1853 यानी 16 अप्रैल अट्ठारह में सबसे पहली बार इंडिया में रेलवे चली थी चौंतीस किलोमीटर की दूरी तय की थी मुंबई से थाने मुंबई टू थाने जो महाराष्ट्र में पड़ते हैं ये महाराष्ट्र का एक कैपिटल है महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है मुंबई से लेके थाने तक चले थे और इस ट्रेन का नाम क्या था तो ब्लैक ब्यूटी इतना फैक्ट आपको याद रखना है रेलवे ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाता है सिक्सटीन अप्रैल क्यों मनाया जाता है तो सिक्सटीन अप्रैल एटीन में सबसे पहले ट्रेन की शुरुआत हुई थी ये करवाने वाले थे लॉर्ड डलहोजी याद रखेंगे एक हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो गया आपका और कब चले थे कहाँ से कहाँ तक तो चले थे तो मुंबई टू थाने कितना किलोमीटर की डिस्टेंस तय किए थे तो थर्टी फोर किलोमीटर ट्रेन का नाम क्या था ब्लैक ब्यूटी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इन विच स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया पूछा जा रहा है कि भारत में ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे कौन से स्टेट हैं जिनके मात्र दो डिस्ट्रिक्ट हैं तो वो गोवा नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान रखें और सिक्किम का जो है वो चार डिस्ट्रिक्ट हैं सबसे जो कम डिस्ट्रिक्ट है वो गोवा के हैं दो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा बड़ा आसानी से याद हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच कॉन्टिनेंट वार्म वाटर हैज़ बीन डिटेक्टेड अंडर थ्इट्स ग्लेशियर रिसेंटली ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कि थ्वाइट्स ग्लेशियर के नीचे अभी गर्म जल पाया गया है गर्म पानी पाया गया है वो ग्लेशियर है थ्इट्स ग्लेशियर अभी उसी के नीचे गर्म पानी पाया गया है और वो कौन से कॉन्टिनेंट हैं तो अंटार्कटिका आपको पता होगा अंटार्क्टिका इज ए वेरी कोल्ड प्लेस Uh, and uh, uh, it is located uh, in South Pole. Uh, uh, you know that uh, uh, Antarctica is the white uh, continent. Every person is uh, known to Antarctica and Antarctica is also known as a white continent. So Yadrachenko. सो रिमेंबर इट Antarctica जिसके जिसमें कि एक थ्वाइट्स ग्लेशियर है उसी के नीचे वार वाटर अभी पाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट इज द बांदीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व पाया गया है मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व है तो ये है कर्नाटका कर्नाटका जिसका कैपिटल बेंगलुरु है याद कीजिए कि इससे पहले फर्स्ट या सेकेंड पार्ट पे आपको एक कर्नाटका में ही टाइगर रिजर्व बताए थे आपको वो कौन सा था तो वो था काली टाइगर रिजर्व वो भी कर्नाटका में है ध्यान रखें और ये दूसरा है इन विच स्टेट इज द बांदीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है तो कर्नाटका में है आज आप लोग के लिए मात्र दस क्वेश्चन ही लेके आए हैं और इसको आप अच्छे से देख के रिविज़न करें इसका इसको नोट डाउन करें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से देख के याद करके लिख लें क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको बहुत बाद भी देखेंगे तो आपको ये काम देंगे कुछ हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है कुछ आपका करेंट क्वेश्चन है सबको आप याद करते रहें जितना बार याद करेंगे फायदा आपको ही होगा नाउ टूडेज वर्क फॉर यू हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ बिहार फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डी जी पी ऑफ बिहार थर्ड क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया फोर्थ क्वेश्चन विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड और फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला ये पांच क्वेश्चन हैं पांच क्वेश्चन में आप जो भी जानते हैं कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दें थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू